कुछ ही समय पूर्व बनी नेशनल हाईवे की स्थिति इन दिनों बद से बदतर हो गई है। लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया यह फोर लेन अब उन्हीं के लिए मुसीबत से कम नहीं। गुना से म्याना का रास्ता महज 30 किलोमीटर का है और यह रोड के हाल इतने बुरे हो गए हैं कि बताया भी नहीं जा सकता। पहले जो सफ़र 30 मिनट में पूरा कर लिया जाता था, अब उसी सफ़र को पूरा करने में 1 घंटे से ऊपर लग जाता है। आलम यह है कि गड्ढे बचाने के चक्कर में कई बार दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यहाँ देखकर यह समझ नहीं आता है कि रोड में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में रोड। इतना ही नहीं, बिलोनिया के पास जो पुल का निर्माण किया गया है वह भी इतना घटिया स्तर का है कि उसमें से बड़े बड़े सरिये बाहर निकलने लगे हैं और आर पार दिखना शुरू हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ पर आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वहीं साक्षी कॉलेज के पास 7 से 8 फीट के एरिया में रोड में अचानक अंदर धंस गई, जिसके कारण एक बड़ा गड्ढा बन गया। वहीं गाड़ियां लगातार दुर्घटनाग्रस्त होती रहती हैं। यहां दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ना जाने कब लोगों को इन गड्ढों भरी सड़क से निजात मिलेगी, क्योंकि हाईवे रास्ते को सुगम बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उन्हें बिगाड़ने के लिए। म्याना से ग्राउंड रिपोर्टर सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। लसक गई है, यहाँ कई मोटरसाइकिलें गिर गई हैं, गड्ढा हो चुका है यहाँ पे, और आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है यहाँ पे। बस यही चाहते हैं कि रोड सही हो जाए, है ना। ये गड्ढा हुआ है साहब, जब दुर्घटना होती है, दो औरतें गिर गई हैं, एक परसों के लिए, एक रोज और गिर गई, एक रोज पहले। तो क्या हुआ, मतलब धसक गई, क्या हुआ? हाँ, धसक गई, कोई पेड़ था का अंदर गड्ढा है, दिखता नहीं है यहाँ पर।